परम पूज्य सदगुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर हिंदुस्तान की प्रेम और सेवा की भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सुपौल ग्राम अजान हरदी की पवित्र धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। जीवन को सुखद बनाएंगे। जगत को माया मोह की नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही बंधुओं श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, बड़ी दूर दूर से श्रोताओं का आगमन हुआ है। डिस्ट्रिक्ट भागलपुर से कहलगांव टोला से भी श्रोता आई हुई है। पीछे खड़े हैं, ताली बजाकर उनका अभिनंदन करूं। मधुबनी जिले से भी श्रोता पधारे हुए हैं। गंभरिया से सुनील भारती नीतू भारती का परिवार खड़े हो जाओ। सिंहेश्वर से टेलर साहब, सभी को व्यास का दी ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। बैठिए। सहरसा से भी सत्संगी भाई बहन आए हैं, प्रोग्राम की भी मांग किया है। सहरसा में सत्संग कराने की इच्छा व्यक्त किया है। आशीष। परम भक्त श्री त्रिलोक जी ये भी आपके क्षेत्र के भक्त हैं, उनको भी व्यास का दी धन्यवाद देती है, ताली बजाती है। पुलिस जवान आशीर्वाद के पात्र हैं, खड़े हो जाए, ताली बजा के अभिनंदन करो। खड़े हो, उधर वाले भी खड़े हो जाओ। जय हो, सबके ऊपर गुरु की कृपा है, बहुत श्रद्धा। बैठो, विराजो, ऐसे ढंग से बैठो कि सभी जगह भरी हुई दिखाई दे, इतनी चतुराई दिखाओ बैठने में, खाली खाली ना लगे। बहुत बड़ी जगह है, भर दो सब, तितर बितर छितर बितर बैठ जाओ। माताएं बहनें भी बड़ी आस्था लेकर आई है, उनको भी हम शुभकामना करते हैं।
बहुत प्रेम से सभी का आगमन हुआ है। सीधे बैठ जाइए। सत्संग प्रारंभ करने की इजाजत दीजिए। बहुत अच्छा, आप सब ट्रेंड हैं, जानते हैं कैसे इजाजत देना है। ताली बजाकर मुस्कुरा देना चाहिए। कल मैं जब अजान में आया, श्री अनिल कुमार मंडल से पूछा कि आपने प्रोग्राम कैसे लिया है, कहां से जुड़ गए। उन्होंने बताया, बाबा हम आपका सत्संग मोबाइल के यूट्यूब में सुनते थे, सुनते सुनते प्रेम बढ़ता गया। एक दिन मंदिर पर बैठकर सुन रहे थे, वहां पर ठाकुर उपेंद्र सिंह भी बैठे थे, वो भी सुनने लगे। ठाकुर उपेंद्र सिंह बोले कि बाबा सत्संग अच्छा सुनाते हैं, क्या ये बाबा अपने अजान में नहीं आ सकते हैं? बाबा आएंगे कि नहीं आएंगे? बाबा को बुलाओ। अनिल कुमार मंडल ने कहा कि बाबा आ तो सकते हैं, परंतु बाबा की सेवा, बाबा की व्यवस्था बनाने के लिए समस्त गांव का, क्षेत्र का सहयोग चाहिए, क्योंकि बाबा के प्रोग्राम में बड़ी व्यवस्था करना पड़ता है। ठाकुर उपेंद्र ने कहा कि मैं तैयार हूं। साथ में गणेश पासवान मिल गए, बोले मैं भी तैयार हूं। फिर गांव के सैकड़ों लोग तैयार हो गए कि हम भी साथ में हैं। फिर क्षेत्र के लोगों ने भी चंदा दिया, गांव के लोगों ने भी चंदा दिया, किसी किसी ने चंदा नहीं दिया तो थोड़ी निंदा दिया। लेकिन उन्होंने हमारे प्रबंधक से संपर्क किया, उनको तारीख मिल गई। तारीख मिल गई, प्रचार शुरू हो गया। बेलदौर प्रखंड खगड़िया जिले में कार्यक्रम था, वहाँ मिलने के लिए अनिल मंडल जी गम्भरिया के सुनील भारती के साथ, सिंहेश्वर के टेलर साहब के साथ गए। जा करके जब मिले तब मुझे पता चला यही बालक प्रोग्राम का मुख्य निवेदक है। सौभाग्यशाली है अजान गांव, हरदी क्षेत्र और ये सुपौल जिला, जहां पर सत्संग की गंगा बहने जा रही है। भागीरथी ने बहुत तप किया था, तब शिव जी की जटा से गंगा धरती पर आई थी। मुझे लगता है अनिल कुमार मंडल ने भी बहुत तप किया है, उपेंद्र ठाकुर ने तप किया है, गणेश पासवान ने, संपूर्ण क्षेत्रवासियों का पुण्य है, अजान वासियों का तप है, जो ये सत्संग की गंगा आपके जिले में आई हुई है, आपके जिले में आई है, सौभाग्य। क्योंकि मनुष्य
संसार में सुविधा पा सकता है, सामान पा सकता है, शादी हो जाएगी, परिवार मिल जाएगा, घर मकान दुकान बन जाएगा, लेकिन मनुष्य को सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती। यहां पर कोई अगरबत्ती न जलाए, बाबा घी बत्ती जलाइए, अगरबत्ती नहीं। साहिब बंद ले लो अगरबत्ती, बाबा की ले लो, दे दो बाबा, दे दो। हाँ बस बस ठीक, बैठो। गुरु की पूजा किया है, कुछ गलत नहीं किया, अच्छा किया है, श्रद्धा। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसे सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म बरे दान दो, सत्य का ज्ञान दो, धर्म बरे दान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म बरे दान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु हैं जहां वहां पे अंधेरा नहीं, मेरे गुरु हैं जहां वहां पे अंधेरा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं है, सदा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं। जाऊँ तेरी शरण, पाऊँ तेरे चरण, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान जय। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि ये जीव कितने बंधनों में बंधा हुआ है और इसके बंधन कैसे छूटेंगे, कौन छुड़ाएगा। बंधन में बंधना आसान है, परंतु बंधन से छूटना बहुत कठिन है। शराब पीने की शुरुआत करना आसान है,
शराब पीने की आदत बनाना आसान है, लेकिन शराब छोड़ना बहुत कठिन है। फिर शराब के चंगुल से निकलना बहुत कठिन है। व्यभिचार को शुरू करना आसान है, लेकिन व्यभिचार के जाल से निकलना बहुत कठिन है। फंस जाते हो। जितने शराबी हैं, जब नशा उतरता है एक बार सोचते हैं अब कभी नहीं पीऊंगा, और जब शाम को पीने का समय आता है तो फिर पी लेते हैं, कहते हैं आज पी लेता हूं फिर देख ले। कितनी स्त्रियां पति से लड़ाई करती हैं, लड़ाई लड़ने के बाद मन में सोचती हैं अब कभी नहीं लड़ूंगी, अब कभी नहीं लड़ूंगी, लेकिन लड़ने की आदत बन गई है। तो जब फिर रात बीत जाती है, सवेरा होता है, टाइम आ जाता है, तो फिर लड़ लेती है, फिर झगड़ लेती है। पूरी जिंदगी आदतों की जंजीरों में बंध जाती है। गलत क्या है, सही क्या है, सबको पता है, सबको पता है। बुरा क्या है, भला क्या है, सबको मालूम है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी ये मन अनुचित सोचता है, और ये हाथ अनुचित कर देते हैं, ये पैर अनुचित पथ पर चल देते हैं, ये कान अनुचित शब्दों को सुनते हैं, और ये जिह्वा अनुचित बात को बोलती है, और ये आंखें अनुचित दृश्य को देख लेती हैं। सब जानते हैं अनुचित क्या है, उचित क्या है, लेकिन फिर भी अनुचित में फंस जाते हैं। क्यों? आदत बन गई है। जो देर से सोकर उठते हैं, रोज रोज सोकर उठने के बाद उनके बहुत से काम बिगड़ते हैं, तो फिर सोचते हैं अब कल से जल्दी उठूंगा। फिर शाम को सोते हैं और सवेरे फिर देर तक सोते रहते हैं। आदत आदत आदत। शरीर की आदत और मन की आदत, ध्यान देना इस पर। शरीर जब हैबिचुअल हो जाता है, जिस आदत को पकड़ देता है, उस आदत को दोहराने के लिए शरीर मजबूर होने लग जाता है। तुम्हारी इंद्रियां मजबूर हो जाती है, और मन जिस आदत को पकड़ लेता है, तुम्हारा मन भी मजबूर हो जाता है। मजबूरी जेल बंधन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। जन्म लेते ही भगवान भी जेल से बाहर निकल गए। भगवान भी जेल में रहना नहीं चाहते। फट से भगवान के पिताजी ने डलिया में रख कर यमुना पार करके बाहर कर दिया कि मेरा बेटा जेल में नहीं रहेगा। जेल
याद रखना। जेल में सब कुछ है, खाने पीने सोने की व्यवस्था है, फिर क्या नहीं है? जेल में स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं। जेल से बाहर स्वतंत्रता है, जब इच्छा हो सत्संग में आकर बैठ जाओ, एक फूल गुरुदेव को चढ़ाओ, एक बिस्कुट ले जाओ, मुस्कराओ, दान कर सको, हंस सको, सबसे मिल सको। जीवन का आनंद स्वतंत्रता में भी छिपा हुआ है। लेकिन तुम जेल से बाहर हो, फिर भी तुमने अपनी स्पेशल जेल बनाई है, और एक जेल नहीं, एक एक आदमी ने 10-10, 20-20 जेल तैयार किया। कोई बीड़ी की जेल में बंद है, कोई सिगरेट की जेल में बंद है, कोई शराब की जेल में बंद है, तो कोई बुरी आदतों की जेल में बंद है, कोई व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की जेल में बंद है। न जाने कितने प्रकार की जेलें तुमने तैयार किया है, तुम्हारी जेल तुम्हारी बनाई हुई है, उन जेलों में तुम गुलामी कर रहे हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम बीड़ी के बंधन में पड़े हुए हो। इसलिए तुम सुखी नहीं हो। ये जो लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं दिखाई देती, इसका कारण यही है कि ये सब स्पेशल जेल में पड़े हुए हैं। बहुत बड़ी माया मोह की जेल है। कितने माँ बाप कहते हैं क्या करें, बेटे बहू के तांडव की वजह से घर में रहने की इच्छा नहीं है, लेकिन माया मोह की जेल में फंसे हैं तो पड़े हैं, क्या करें। माया मोह की जेल, आदतों की जेल। और जितना अधिक तुम अपने को आदतों से मुक्त करते चले जाओगे, उतना तुम जेल से छुटकारा पाते चले जाओगे। ये साधु क्यों सुखी है? है क्या इसके पास? साधु के पास कुछ नहीं, कमंडल है, तो कमंडल का ढक्कन गायब हो गया इसका, फिर भी ये सुखी है। अरे पगड़ी पटना में छोड़ के आया है और ढूंढ रहा है अजान में कि यहां पगड़ी कहां, इतना तो उसका दिमाग गड़बड़ा गया। फिर भी सुखी है क्यों? क्योंकि साधु किसी आदत की जेल में बंद नहीं है, पराधीनता की जेल में बंद नहीं है। साधु माया मोह की जेल की हथकड़ी बेड़ी को तोड़ चुका है, इसलिए साधु का जीवन सुखी है, उसके मुखमंडल पर खुशी है। तुम क्यों आए हो गुरु के पास? इसीलिए आए हो कि हे गुरुदेव, कुछ मेरी भी हथकड़ी बेड़ी काट दो। आप मुझे हंसी आती है, हथकड़ी बेड़ी तुमने ही स्पेशल तैयार करके अपने को बांधा है, हमसे कटवाने आए। मैं एक हाथ बड़ी बेड़ी काट दूंगा, तुम दूसरी तैयार करके बांध लोगे, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि तुम नए नए बंधन बनाने में कलाकार हो, गुरु कहां तक काटेगा बंधन? हम बीड़ी छुड़ाते हैं तो तुम सिगरेट के बंधन में पड़ जाते हो, हम सिगरेट छुड़ा पाते हैं तो तुम शराब की जेल में फंस जाते हैं। एक पत्नी शादी किया था, चार और पत्नी है डुप्लीकेट कहीं से, उसमें भी फंसे हुए हो, एक जेल तो झेल नहीं पा रहे हो, चार जेलें और बनाया। एक आदमी कह रहा था मेरे ऊपर ओवरलोड है, तुमने कहा कैसे ओवरलोड हो गया? तो बोला एक से विवाह किया, दूसरी से प्रेम किया, तीसरी से प्यार किया, चौथी से लफड़ा किया। तो तीन विरोध में है, एक साथ में है। व्यभिचार की जेल में भी मत फंसो, व्यभिचार एक कारागृह है। शराब की आदत बहुत बड़ी जेल है, और शराब की आदत में यदि फंस गए
अब छूटना मुश्किल है। कैसे छूटोगे? क्योंकि फिर शराबी तुम्हारे दोस्त बनते हैं और शराबियों की टीम इकट्ठी होती है, शराबियों की जमात तुम्हारे साथ है और शराबियों का तुम नेतृत्व करते हो। इस दुनिया के अंदर कोई भी तुम कार्य करो, तुम्हारी जमात बन जाती है, तुम्हारी पार्टी बन जाती है, टीम बन जाती है। अभी तुम नई पार्टी बना दो बिहार में, उस पार्टी का नाम रख दो कि भारतीय मूर्ख पार्टी। देखो कितने मूर्ख उसमें शामिल हो जाए। मूर्ख पार्टी, भारतीय मूर्ख पार्टी। कोई पार्टी बना दो, चोर बन जाओ, 20 चोर तुम्हारे साथ तैयार हो जाएंगे, जमात बन गई। ताश खेलने के लिए बैठ जाओ, 10 मूर्ख ताश खेलने के लिए तुम्हारी जमात में शामिल हो जाएंगे। और सबसे कीमती चीज अगर मनुष्य के पास में कुछ है तो क्या है? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, ये सबसे कीमती है? नहीं नहीं, सबसे कीमती जो है उसको तुम रोज व्यर्थ गंवाते हो, रोज गंवाते हो। सबसे कीमती और सबसे जरूरी और सबसे अमूल्य चीज यदि कोई तुम्हारे पास में है तो वो टाइम है, वो समय है, वक्त है, अवसर है, चांस है, उसको तुम खोते चले जाते हो। कहीं ताश खेलने में समय खोते हो, कहीं शराब के नशे में समय खोते हो, कहीं दुष्टों की संगत में समय खोते हो, कहीं आलस्य में समय खोते हो, कहीं ज्यादा सोने में समय खोते हो और कहीं ज्यादा देर नहाने में समय खोते हो। समय तुम्हारा खो जाता है, 24 घंटे गुजर जाते हैं और तुम जहां के तहां खड़े रह जाते हो, कुछ कर नहीं पाते। अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करो। तुम इस धरती के श्रृंगार हो, तुम इस धरती के देवी देवता हो, तुम इस धराधाम के उपहार हो, तुम इस भारत देश के होनहार लाल हो, इस हिंदुस्तान की शोभा हो। तुम साधारण नहीं, हर बेटी राधा है, हर बालक कान्हा है, कन्हैया है, कृष्ण भगवान है। समय का सदुपयोग करिए। और कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह कठिन संसार, ये माया मोह बड़ा कठिन है, ये माया मोह ऐसे छूटता नहीं। तुम गुस्सा में कह सकते हो मैं छोड़कर चला जाऊंगा, पर जा नहीं पाऊंगा। और यदि चले भी गए तो फिर मधुबनी में बैठकर रोओगे कि हाय मेरा बेटा, वहां रोओगे। हमारे पास में कितने लोग सब झटके से छोड़कर साधु बनने आते हैं। मैं उनसे जब बात करता हूं, मैंने कहा पत्नी है? बोले है। माँ बाप है? बोले है। बेटा बेटी है? बोले है। तो हमने कहा तुम तो चले आए हो, वे लोग तुमको याद करके रोते होंगे, क्या तुम्हारे मन में कुछ लगता नहीं है? तो वो भी रोने लग जाता है, आंसू झरझर गिरते हैं। तो हमने कहा वापस चले जाओ, तो बोलता किराया दे दो चला जाऊंगा। ये माया मोह अंदर से पकड़े रहता है, ये ऐसे आसानी से छूटने वाला नहीं। जब भगवान श्री राम अयोध्या की याद करते थे तो राम रोने लग जाते थे। लक्ष्मण पूछते थे भगवान तुम क्यों रोते हो,
तो राम कहते थे जब जब राम अवध सुध करही तब तब नीर विलोचन भरही। अविद्या की जब जब याद आ जाती थी तो राम की आंखों में आंसू भर जाते थे। और रामायण कहती है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, चेहते पुण्य उपजे बहु सूला। मोह समस्त दुखों की जड़ है, जिससे नाना प्रकार के कष्ट पैदा होते। मोह जेल है, लोभ भी जेल है, क्रोध भी जेल है, अहंकार बहुत बड़ी जेल है, सेंट्रल जेल है। आदमी कितना अज्ञानी है, गाड़ी अपने चलने के लिए खरीदता है, अहंकार पड़ोसियों को दिखाता है, गर्दन ऐंठ के चलता है, क्या समझ रखा है 50 लाख की गाड़ी है, तो क्या पड़ोसियों के लिए है? नहीं, हमारे लिए है, अपने लिए, खुद के लिए। तो ऐंठ पड़ोसियों को क्यों दिखाते हो? गाड़ी है इसलिए ऐंठ दिखाता, तो पड़ोसियों से क्या लेना देना है? जितना बड़ा ज्ञान होगा उतना बड़ा अभिमान होगा, और अज्ञान जब मर जाएगा अभिमान अपने आप उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। अज्ञान अभिमान को जन्म देता है। जब ज्ञान हो जाता है, वृक्ष में फल आ जाते हैं, डाले झुक जाती है, और जिस वृक्ष में फल नहीं तो डाले ऊपर की ओर उठ जाती है। जिसमें ज्ञान आ गया वो झुकने लग जाता है, नम्रता आ जाती है, जिसमें ज्ञान नहीं है अरे अकड़ के चलता है। और ये अहंकार बहुत बड़ी जेल है, जेल खाना है। सासु होने का भी अहंकार आ जाता है। कितनी सासुएं इतनी खतरनाक हैं कि बहुओं को सांस लेना मुश्किल की, बहुओं का दम घुट रहा है, आहा। और कितनी बहु ऐसी है बिल्कुल बहु नहीं, अरे एटम बम बनकर आई है, सासु भी बेहोश पड़ी है बहु के कारनामों से। एक महात्मा भीख मांग रहा था, साधु भेष में था और भिक्षा मांग रहा था। ऐसे भिक्षा मांगना बुरा नहीं है, लेकिन भिक्षा मांगना आसान भी नहीं है। प्रोग्राम के लिए चंदा मांगना भी बुरा नहीं है, लेकिन चंदा मांगना आसान भी नहीं है, क्योंकि तुम चंदा मांगते हो, कितने लोग आपको नाश्ता भी खिलाएंगे और चंदा भी देंगे और धन्यवाद भी देंगे और कहेंगे हम भी आएंगे। अब कितने लोग नाश्ता भी नहीं खिलाएंगे, चंदा भी नहीं देंगे, और दो चार बातें ऐसी बोल देंगे कि तुम्हारे घाव लग जाएगा, हिम्मत टूट जाएगी कि अब चंदा मांगू कि ना मांगू। लेकिन तुम भी फंस गए क्योंकि गुरु जी का प्रोग्राम लेकर बैठे। फिर मांगते, जिन्होंने जिंदगी में किसी से कभी कुछ मांगा नहीं, हाथ फैलाया नहीं, गुरु के प्रेम में, गुरु की भक्ति में, ज्ञान का प्रचार करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जन जन को संस्कार देने के लिए, माताओं बहनों को देवी रूप प्रदान करने के लिए और नर को नारायण बनाने के लिए घर घर में चंदा मांगा है, भिक्षा जैसे मांगा है, ऐसे लोग महान होते हैं जो हमारे देश को महानता की ओर ले जाना चाहते हैं। और कोई धार्मिक कार्यक्रम के लिए चंदा देना पड़े अहो भाग्य मानना चाहिए।
अभी हमारे पास में एक दुखी दास आए थे, 1100 की राशि दे गए। बोले हमारी वाइफ ने कहा था कि गुरुजी को 1100 रुपये दे देना, तो देकर जा रहा हूं। मधुबनी से आया 180 की, वो खड़े हैं पीछे, देखो खड़े हो दुखी दास, खड़े हो दुखी दास, कहां निकल गया। बोल रहे थे अब जा रहा हूं, 180 किलोमीटर है, 4-5 घंटा लग जाएगा गुरुदेव। बड़ी श्रद्धा से आया, तो भिक्षा मांगना लेकिन याद रखना है, चंदा मांगो खूब मांगो, लेकिन चंदा एक महान उद्देश्य के लिए मांगना चाहिए। अभी भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, सरकार की ओर से राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। सरकार का टाइगर था कि 1100 करोड़ इकट्ठा कर लो चल जाएगा, लेकिन सरकार को भी ये ज्ञान नहीं था, ये हिंदुस्तान है, ये दानवीरों का स्थान है, ये राम के भक्तों का स्थान है। 2500 करोड़ चंदा इकट्ठा हो गया, 2500 करोड़। मैं तो कहता हूं और मांग लो थोड़ा, 2500 करोड़ क्या, 1,00,000 करोड़ इकट्ठा हो जाए, भगवान का मंदिर बहुत अच्छा बन जाए। और मंदिर हिंदुओं की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है मंदिर। आज दुर्गा स्थान, यहां मंदिर में गए हम हरदी में, बड़ा सुंदर मंदिर है। दूर से ही उसके जो बनावट देख रहा था ना, मैं चौड़ा फिर कम चौड़ा फिर कम चौड़ा फिर कम चौड़ा, ऊंचा ऊंचा, बड़ा आकर्षण हुआ। वहां जब पहुंचे हम, दिल भर गया आनंद है। लेकिन अभी उस मंदिर में सेवा की आवश्यकता है, अभी थोड़ा टाइल लगना बाकी है दीवालों में, अभी थोड़ा सा उस मंदिर में सब फिटिंग सेटिंग बाकी है। और मुझे उम्मीद है अगली बार इस क्षेत्र में आऊंगा तो इतना दानवीर ये क्षेत्र है कि वो मंदिर में जो कसर है वो कसर नहीं रह जाएगी, सबके सहयोग से मंदिर चमक जाएगा। और मंदिर के पुजारी से भी कहूंगा, मंदिर चमके तो मंदिर के पुजारी के दांत भी चमक जाए, वो बहुत पान तमाकू खाता है, इतना खा के बैठा था वो, ऐसे गाल फूला था एक तरफ, तो मैं उसको देखा, हमने कहा यार भगवान इतना प्यारा है, सलोना है, देवी जी इस पुजारी को तुम डांटती क्यों नहीं। देवी जी ने कहा इसको रात में मारूंगी आज। अरे किसी मंदिर के पुजारी को, किसी साधु संत को ये पान तंबाकू शोभा नहीं देता है, नशा किसी प्रकार का शोभा नहीं देता है। साधु संत के दांत मोती की तरह चमकने चाहिए और सज्जन भक्तों के दांत दूध की तरह दर्शन देना चाहिए, मुंह एकदम साफ होना चाहिए। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, महिलाएं कोई पान तमाकू नहीं खाती, कितने सुंदर दांत हैं इनके, लेकिन ये ओंठों में लाल रंग लगा लेते, लाली मेरे लाल की ओंठें हो गई लाल, और जो कोई देखे ओंठ को वो भी हो जाए लाल। बहुत ओंठों में लाल रंग है, नहीं रंग लगाने में तो महिलाएं बहुत होशियार है, ओंठ में रंग, नाखून में रंग, बालों में रंग, गाल में रंग, पांव में रंग, एड़ी में रंग, रंग में रंग, पूरा रंगा रंग। अब घर वाले हैं तंग। ये
घर वाले सब इधर बैठे हंस रहे कि आज लग रहा सुधर जाएगा मामला सा। साहिब बंदगी साहिब। साहिब बंदगी बोलो साहिब बंद। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुस्कुरा कर गाइए मधुर मधुर ताली बजाइए। मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बस प्रेम मेरा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों। जोर से बस प्रेम मेरा भर हंस हंस के रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। जिनकी इच्छा है बार बार मेरे अजान में आ जाना जिनकी इच्छा है बार बार मेरे अजान में आ जाना वे लोग दोनों हाथ ऊपर को मत उठाना मत उठाना। तुमने क्यों उठाया है? बहुत आनंद आ गया। धन्य हो अनिल मंडल। कहां खड़े हो जाओ। उपेंद्र ठाकुर खड़े हो। कहां उपेंद्र ठाकुर? अरे गणेश पासवान नाम पासवान रहते दूर हो पास में रहो। बैठो। ये बच्चा है बहुत मेहनत किया। ये गांव महान है जिन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। धन्य है गांव। आज सैकड़ों गांव के नर नारियों को सत्संग और दर्शन का लाभ यदि मिला है तो अजान वासियों की मेहनत श्रद्धा से मिला है। याद रखना भागीरथ गंगा लाए थे करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। धन्य बनाया है जीवन। ये अजान वासियों की ओर से सत्संग की गंगा आई है पूरा क्षेत्र धन्य हो रहा है। सुखद सत्संग। तो मैं क्या सुना रहा था कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा है। कि ये जीव ये आत्मा कितने बंधनों में बंधा हुआ कितने बंधन। कबीर कहते हैं गिन नहीं सकता हूं उतने बंधन है। गिन नहीं सकता यानी गिनती कम पड़ सकती है इतने बंधन में ये जीव बंधा हुआ है। तो कबीर साहब ने एक दोहा कहा। कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है। क्या नाम है? बीजक। बीजक का दोहा है ये। गाइए। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जी। बहु बंधन से बंधा है एक बंधन नहीं। एक बंधन खुल भी जाए तो और बहुत बंधन है। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जी की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पी। कबीर कहते या तो अपने बल से छूट सकता है और या तो कोई पीऊ कोई परमात्मा के समान सदगुरु मिल जाए
वो सभी बंधनों को काट सकता है। बहुत बंधन है, कोई लोभ के बंधन में बंधा पड़ा है, एक आदमी हजारों की भीड़ में खड़ा हुआ और बोला, किसी आदमी की दो हजार के नोट की गड्डी गिर गई है, जिसकी हो ले सकता है। पचास लोग दौड़ कर आ गए कि मेरी है मेरी है। तो जो खड़ा होकर बोला था उसने कहा कि अभी गड्डी बांधने वाला धागा मिला है, गड्डी अभी नहीं मिली। ये लोभी लोग दौड़े हैं लेने के लिए। इस दुनिया में देना सीखो, सूर्य सबको रोशनी देता है, सब लोग उसको प्रणाम करते हैं। याद रखना, देने वाले को सम्मान मिलता है। समुद्र सभी नदियों से पानी लेता है लेता है लेता है, तो समुद्र का पानी खारी हो जाता है, नमकीन हो जाता, पीने लायक नहीं रह जाता है। याद रखना, लेना ही लेना सीखोगे तो तुम खारी हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, किसी के प्रयोग लायक नहीं रह जाओगे। यदि देना भी सीख लोगे तो सबको रोशनी दे दोगे, संसार उजाला हो जाएगा। देना सीखो, और जितना दोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। मैं जितना ज्यादा ज्ञान बांटता हूं, ज्ञान देता हूं ना, मेरा ज्ञान भी बढ़ रहा है। धन दान करो तो धन भी बढ़ता है, वस्त्र दान करो वस्त्र बढ़ता है, रक्त दान करो तो नया रक्त शरीर में निर्मित होकर के बढ़ जाता है। द्रौपदी यमुना में स्नान कर रही थी, निकल कर बाहर आती है, देखती है कि एक साधु बहुत देर से यमुना नदी की धारा में जल में बैठा हुआ नहा रहा। द्रौपदी ने कहा, हे बाबा बाहर निकलो, मैं आपके चरण छू लूं, प्रणाम कर लूं। भारत देश में चरण छूने की बहुत बड़ी परंपरा है, और चरण छूने से बढ़कर के और कोई सम्मान नहीं होता, याद रखना। कोई भी महान पुरुष हो, देवी देवता हो, भगवान हो, चरण लास्ट है, चरण छूकर मस्तक में लगा लिया। महात्मा ने कहा कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, नदी के जल के अंदर ही रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा संत कभी कभी मिलते हैं, आओ बाहर चरण छू। कोई महिला या कोई पुरुष जब किसी संत को नमन करता है, प्रणाम करता है, तो समझ लेना उसको इंसान के रूप में नहीं प्रणाम करता है, उसको भगवान के रूप में देखकर प्रणाम करता है। इसलिए संत को भगवान से भी ज्यादा पवित्र होना चाहिए। संत ने कहा, क्षमा करना बेटी, मेरे कपड़े नदी की धार में बह गए। संत तो निश्चिंत था, ढंग से कपड़ा नहीं रखा, किनारे रखा, हवा आई, झोंका में कपड़े नदी की धारा में गिर गए, बह गए। अब संत महात्मा लबोटी पहनकर अंदर बैठा है, नंगुआ बाबा, निकले तो कैसे निकले, शर्म लग रही है। संत ने कहा, मैं नहीं निकलूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा कपड़ा नहीं है। द्रौपदी उस समय सफेद साड़ी पहनती थी। मैं कहूंगा, कभी कभी महिला को भी सफेद रंग की साड़ी भी पहनना चाहिए, किनारा थोड़ा रंगदार हो, ताकि व्हाइट पहन कर देखो। हफ्ते में एक दिन, सात दिन हफ्ते में होते सात कलर की साड़ी रखो, और गुरुवार को गुरु का दिन है, गुरु की पूजा करो, सफेद रंग की किनारी रंगदार,
बस साड़ी पहनकर पूजा करो, ये कपड़े के रंग का प्रभाव भी तुम्हारे मन पर पड़ता है, ये साधारण चीज नहीं। द्रौपदी, अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर रख देती है, एक पत्थर के नीचे दबा देती है। महात्मा, मैं जा रही हूं, आप समय मिले तो इस कपड़े को पहन लेना। साड़ी के थोड़े से टुकड़े से अपनी लाज बचाना, शेष साड़ी से मैं अपनी लाज बचा लूंगी। महात्मा ने कहा, ए बेटी, मैं आशीर्वाद देता हूं, आज तूने मेरी लाज बचाने के लिए वस्त्र दान दिया है, मेरी तपस्या का पुण्य लग जाए, तेरी लाज कोई छीन नहीं सकता है, तेरी इज्जत कोई छीन नहीं सकता है, चाहे जितना ताकतवर। जब दुर्योधन दुशासन को आदेश करता है इसकी साड़ी खींचो, द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक जाता, ढेर लग जाता है और साड़ी का कपड़ा खत्म नहीं होता। आकाशवाणी होती है, दुशासन फालतू मेहनत मत कर, ये महात्मा का आशीर्वाद है। इस बेटी ने, द्रौपदी ने महात्मा की इज्जत को बचाया था, सम्मान को बचाया था, इसलिए महात्मा के आशीर्वाद से इसकी इज्जत कोई नहीं ले सकता है। वस्त्रदान, तुम्हारे वस्त्रों की उन्नति करता है। अन्नदान से अन्न बढ़ता है, धन दान से धन बढ़ता है, ज्ञान दान से ज्ञान बढ़ता है। साहेब बंदगी, और प्रेम दान से प्रेम बढ़ता है, बुद्धि दान करने से बुद्धि बढ़ती है, और याद रखना, भक्ति दान करने से भक्ति बढ़ती है। आज हमारे इस सभा में ऐसे ऐसे भक्त बैठे हैं, एक एक भक्त ने सैकड़ों लोगों को भक्ति से जोड़ा है, उनको भी भक्ति दान किया है, भक्ति सिखाई है, भक्ति दिया है कि तुम भी गुरु के प्रवचन सुनो, उनकी भक्ति करो, और जिन्होंने भक्ति दूसरों को प्रदान करने में अपना योगदान किया है, उनकी भक्ति हजार गुना बढ़ती चली गई। प्रचारक भक्त है, इसी श्रृंखला में हमारे परम भक्त श्री सुनील भारती जी खड़े हो, गंभरिया के निवासी, आपने हजारों लोगों को भक्ति सिखाया, भक्ति दान दिया, गुरुदेव से जोड़ा है, मोबाइल से प्रवचन सुना देते हैं और बता देते, तुम भी सुनो। गुरु के जन्मोत्सव 20 अक्टूबर को आपने बहुत बड़ा भंडारा किया था, आपके भंडारा में बहुत सहयोग करने वाले सभी टीम, उनकी हरे राम, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो, जितना, हाँ, गंभरिया वाले देखो कितना, सिंहेश्वर के टेलर साहब, ये गंभरिया के लोग, खीर का भंडारा चला, हजारों लोगों ने खाया, और 2023 में प्रोग्राम होगा। भक्ति दान करने से भक्ति बढ़ती है, याद रखना, प्रेम दान करने से प्रेम बढ़ता है, और प्रसन्नता दान करने से प्रसन्नता बढ़ती है। किसी को तुम कुछ नहीं दे सकते हो तो कम से कम खुश हो करके बोल तो सकते हो, ऐसा मुंह बना करके बैठते हो लगता है कोई भूत प्रेत आया है। थोड़ा मैं हांगकांग में गया था तो हांगकांग के मूल निवासी लोग, मैं एक कुर्सी पे बैठा था तो हंस रहा था, फालतू हंस रहा था, मैं फालतू भी हंसता हूँ, कोई कारण था नहीं, ऐसे दांत निकाल के। तो दो पति पत्नी आए हांगकांग के मूल निवासी, बोले आपका फोटो लेना चाहता हूँ। हमने कहा पूछना चाहिए कि ले लेना चाहिए, तुरंत ले लो, हाँ इमीजिएट फोटो निकालो, फटाफट फट से लिया फोटो, बोले साथ में बैठ के लेना चाहता हूँ। हमने कहा आ जाओ, कम हियर प्लीज, मेरे पास बैठो, हाँ बैठ गए, फोटो लिया। तो हमने पूछा उनसे, ये फोटो लेने की डिजायर तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हुई, वही डिजायर फोटो? तो उसने बताया कि आप हंस रहे थे, खुश रहे थे, तो ऐसा हमको अच्छा लगा कि इनका फोटो ले लो।
अरे ये एक्टर क्या करते हैं, ये भी यही तो एक्टिंग करते हैं। तो तुम घर में सुबह से शाम तक एक्टिंग करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना घर ही महान धन्य हो जाएगा। खुश रहना सीखो, सही काम करना सीखो, और खुश वही रह सकता है जिसका मन निष्कपट है, खुश वही रह सकता है जिसका मन निर्मल है, खुश वही रह सकता है जिसका चिंतन सही है, खुश वही रह सकता है जो दूसरों को खुश कर सकता है, खुश वही रह सकता है जो दूसरों की खुशी छीनता नहीं है, खुश वही रह सकता है जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, और खुश वही रहता है, याद रखना, जो खुश रहना चाहता है वही खुश रहता है। खुश रहो, तुम्हारी वजह से यदि तुम्हारा भाई दुखी है, बहन दुखी है, पिताजी दुखी है, माँ दुखी है, पत्नी दुखी है, पति दुखी है, तुम खुश नहीं रह सकते। कितने भाइयों ने अपने भाइयों को इतनी पीड़ा दिया है, बड़े आलसी, बड़े निकम्मे, बड़े क्रोधी, बड़े दुष्ट, उल्टा पलटा काम करते हैं, भाई समझाता है मानते नहीं, भाई को टेंशन दिया है। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को भारी टेंशन देती है और रात को इंजेक्शन देती है और सुबह फिर रिएक्शन करती है और दिन भर इन्फेक्शन होता है, ये सब क्या नाटक कर रही है। सोचती है मेरा पति लंबी आयु को प्राप्त हो, अरे लंबी आयु ये तो अगले साल मर जाएगा, यही हालत रही है। पति को टेंशन मत दो, वो कौन सी आदत है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते हो। तुम एक दिन जब मृत्यु का समय निकट आता है, इस शरीर को छोड़ देते हो, परिवार को छोड़ देते हो, पूरी दुनिया को छोड़ करके आत्मा विदाई ले लेती है, तो जीते जी ये बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, मांस मछली, अंडा, नशा, शराब, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, सारी बुरी आदतों को तुम त्याग दोगे, तुम्हारी पत्नी भी खुश रहेगी, पति भी खुश रहेगा, माँ बाप भी खुश रहेंगे, और गुरुदेव भी खुश हो जाएंगे तुमको देख करके। क्या नहीं छोड़ सकते हो तुम साहिब बंदगी। जीवन में जितने दुख दिखते बाबा अच्छे आदमी की तलाश हर आदमी को है। भगवान श्री राम रीच भालू बानरों की सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करते हैं। राम से किसी ने पूछा कि मनुष्यों की सेना लेकर तुम क्यों नहीं गए, तुम खुद मनुष्य रूप में थे। बानरों बंदरों की सेना लेकर गए, हिंदुस्तान में क्या मनुष्यों की कमी थी। तो राम ने कहा मनुष्यों की सेना लेकर इसलिए हम नहीं गए कि मनुष्य अगर हिंदुस्तान के हमारे साथ में जाते, लंका पर चढ़ाई करने, लंका में पहुंचते और लंका सोने की लंका देखते और रावण कहीं उनको गुप्त सूचना दे देता कि एक एक किलो सोना दे दूंगा, तो ये सब नालायक उसी के पक्ष में चले जाते, फिर मेरी हालत खराब हो जाती है, इसलिए मैं बानरों को ले गया, ये बानर सोना चांदी समझते नहीं। देखो राम बुद्धिमान थे, ऐसे लोभी लाड़ा लोभी आदमी को लेकर तुम कोई सफलता करना चाहो तो लोभ के कारण तुमको डुबा देगा, कुछ नहीं काम आएगा वो। जीवन में जितने दुख दिखते गादू और मंद मंद बजाइए। जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में दुख क्यों है, क्या कारण है इसका, व्हाट इज रीजन प्लेजर, दुख का कारण क्या है। एक ही कारण है, जीवन में जितने दुख दिखते
वे निज दोषों के कारण ही जीवन में जितने दुख दिखते। आप कहीं रहो, बिहार रहो, पश्चिम बंगाल रहो, यूपी रहो, एमपी रहो, दिल्ली रहो, कहीं रहो, अमेरिका लंदन रहो, आप सब जगह सुखी हो सकते हैं। कोई नहीं पूछता ये गुरुजी कहां के रहने वाले हैं, और कोई नहीं जानना चाहता तुम्हारा आश्रम। अरे जाने दो भाड़ में आश्रम, हमको क्या जरूरत है कि ये सेव फल किस बगीचे से आया है। हमको तो सेव फल की क्वालिटी अच्छी उसे खरीद कर खा लेना है। हमें तो गुरुजी कहां रहते उससे लेना देना नहीं, हमें तो गुरुजी अच्छे हैं, बस उनको स्वीकार करना है। ये बात है कि नहीं? धन्य हो जीवन में जितने दुख दिखते, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही जीवन में जितने दुख दिखते, वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, गाओ, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, बाबा प्रणाम, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। हर सासू कहती है कि बहू की वजह से मैं दुखी, और बहू कहती है सास ससुर के कारण दुखी हूं। पति कहता पत्नी से दुखी हूं, पत्नी कहती पति से बहुत परेशान हूं। बेटा कहता है माँ बाप से दुखी हूं। ये सब सबसे दुखी हैं, ये खुद से कोई दुखी ही नहीं, दूसरों से ही दुखी है। और ये दूसरे लोग सबको दुख दे रहे हैं ऐसा नहीं है, अपने भीतर झांको कहां गलती है, स्वयं में कहां कमी है। अगर बेटी ससुराल में टिकती नहीं है, याद रखना बेटी के अंदर भी कमी है। बेटी के मां बाप को कभी अपनी बेटी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। बेटी का मनोबल बढ़ा करके उस बेटी को बंदूक मत थमाइए हाथ में, थोड़ा उसको शांति दीजिए। और बेटी को भी गम खाना सीखना चाहिए, समय पर जागना सीखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में कलह कलेश प्रारंभ होता है। बहुत ज्यादा देर तक सोती है सासों को गुस्सा आता है, थोड़ा जल्दी उठ जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बहू थोड़ा आलस्य करती है सासू का मन खिन्न हो जाता है। आलस्य छोड़ दो, मन प्रसन्न हो जाएगा सासू जी का। सासू हर बात में नोक झोंक करती है, बहू का मन दुखी हो जाता है। सासू को भी चाहिए हर बात में नोक झोंक मत करो, चलने दो, चलवा दे ठीक है, हर बात में बोलो मत। थोड़ा उल्टा भी करेगी, सीधा भी करेगी,
धीरे धीरे सीख जाएगी। छोटी है, बच्ची है, अभी इसको बचाना पड़ेगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। गम खाना सीखो। हर सासू को अपनी बहू की भी गम खा लेना चाहिए, उसकी जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, प्रसन्न रहो। तो मैं एक कहानी सुना रहा था आपको, सासु होने का अहंकार। आहा, एक साधु भिक्षा मांग रहा था, ये बात बताया था ना, छूट गई कहानी में, सुना देता नहीं चूक जाऊंगा। साधु किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा लेने गए। सासु घर में नहीं थी, बहू थी, बहू से भिक्षा मांगा। बहू ने कहा, बाबा थोड़ा रुको, मैं घर के अंदर से आती हूँ। तो साधु ने सोचा घर के अंदर जा रही है, कुछ लेकर आएगी। घर के अंदर से जब आई 5 मिनट के बाद, तो उस बहू ने कहा, बाबा हमारे घर में भिक्षा नहीं मिलेगी आपको, जाओ बाबा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो साधु मुस्कराता हुआ चल देता है, हंसता हुआ। जो नहीं देता है ना, उसके लिए भी साधु हंस देता है, ठीक है। भिखारी भी हंस देता है जो नहीं देता है, जो देता है उसके लिए भिखारी मुस्करा देता है, ना देने वाले के लिए हंस देता है। एक भिखारी से किसी ने पूछा कि जिसने दिया उसके लिए तूने मुस्करा दिया, और जिसने नहीं दिया उसके लिए तूने हंस दिया, तो ये क्या बात? तो उसने कहा, मुस्करा इसलिए दिया देने वाले के लिए कि अगले जन्म में भी ये दाता बनकर पैदा होगा, बड़ा धनवान बनकर पैदा होगा। बोले, जिसने नहीं दिया तो हंसा क्यों? बोले, हंसी इसलिए आई, अगले जन्म में ये भी भिकमंगा बनेगा तो हमारे साथ में ही रहेगा, ये इसलिए हंसी आ गई। कि इस कंजूस को पता नहीं है कि ये धन दौलत क्या साथ में लेकर जाओगे। कितने लोग अपने कुटुंब के मोह में इतना पड़ जाते हैं कि 1 रुपया दान नहीं कर पाते, सब कमा कमा कर ढेर लगाते रहते हैं, बेटों के लिए और बेटों के बेटों के लिए, 7 पीढ़ी के लिए रख देते हैं। उनको पता है 7 पीढ़ी अंधे और कोढ़ी पैदा हो, कुछ कर नहीं पाएंगे, कोढ़ियों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अरे ये 7 पीढ़ी के लिए धन मत रख, चाहे राजनीति करो चाहे कुछ करो, लेकिन इतना धन जमा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे को अगर सुखी बनाना चाहते हो, सम्माननीय जिंदगी जीने की कला सिखाना चाहते हो, और बेटे का प्रभाव बढ़ाना चाहते हो, बेटे को सुंदर संस्कार दे दीजिए, बेटे को ज्ञान दे दीजिए, और बेटे को सद्बुद्धि दे दीजिए, और बेटे को जिंदगी में चरित्र से रहना सिखा दीजिए। आपका बेटा मिट्टी छुएगा तो सोना बन जाएगा, आपका बेटा महान बनकर के जिंदगी जिएगा। ये बेटा के लिए चुट्टा बन रहे तो, और बेटा उस पैसे से शराब पी रहा है। एक मिनिस्टर मुझको मिले तो बोले, हमारे घर में सब ठीक है लेकिन बेटा नहीं ठीक है। तो हमने कहा, बेटा क्या करता है? ले बस ऐसे ही है सब मामला। तो हमने कहा, कमा के तो दे ही दिया है, मर जाओगे तो भी वो जिंदा रहेगा, खाएगा पिएगा। बोले, अरे बहुत दुर्गुणी है, तो धन इतना क्यों दे रहे उसको? बच्चों से मैं कहूंगा, छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं, सब बच्चे, बेटी हो या बेटा हो, पोती हो या पोता हो, एक छोटा सा दान पात्र बनाइए, छोटा सा डब्बा गुल्लक बनाइए। और अगर कभी माँ बाप तुमको पैसा देते हैं, नानी नाना पैसा देते हैं, तो गुल्लक में बचत करके रखिए,
और 3-4 साल के बाद वो पैसा फोड़ कर निकालिए, जो भी निकलेगा 10-20 हजार, 10-20 हजार बाप से कह दो और लगा दीजिए, और कह दो एक स्कूटी खरीदूंगा। ये चाट पकौड़ी खा के घूम रहे आदत बिगाड़ रहे हो, उससे बेहतर है स्कूटी लेकर जाना। कार खरीदो, कार से स्कूल जाओ, क्या फर्क पड़ता, पैसे को बर्बाद मत करो। और ये भी निवेदन करूंगा, बच्चे को यदि आपने धन दिया है लेकिन धर्म पर चलना नहीं सिखाया, बच्चे को मकान दिया है लेकिन उस मकान में रहने की कला नहीं सिखाई है, और बच्चे को आपने सामान दिया है लेकिन सम्मान से जिंदगी जीने का ढंग नहीं सिखाया है, और बच्चे को आपने बहुत बड़ी शिक्षा दिया है लेकिन बच्चे को अगर संस्कार नहीं दिया है आपने, तो याद रखना आपका बच्चा कभी सुखी नहीं होगा, बच्चा हमेशा दुखी रहेगा। बच्चा सुखी तभी होता है जब सम्मान से जिंदगी जीने का ढंग सिखा दो, ज्ञान दे दो बच्चे को, सत्संग से जोड़ दो। तो वो साधु हंसता हुआ चल देता है, सामने से उस घर की सासू आ रही थी। सासू ने पूछा, अरे साधु बाबा अभी तो मेरे घर के सामने खड़े थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो मेरी बहू ने भिक्षा दिया कि नहीं दिया, क्या कहा? तो साधु ने कहा कि तुम्हारी बहू ने जवाब दिया कि बाबा इस द्वार पर भिक्षा कभी नहीं मिलेगी, जाओ बाबा टाइम पास मत करो। बोले फिर मैं हंसता हुआ चला आया। बोले हंसे क्यों? बोले इसलिए हंसा कि अगले जन्म में तुम्हारे घर में भी सब भिकमंगा होंगे, तो मैं मजबूरी में आ गया था तुम्हारे द्वार पर। किसी के द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, प्रेम से खिला देना उसको, प्रेम से बोल देना, मेहमान का सम्मान कर देना। और ये भी निवेदन करूंगा, हर रोज किसी के यहां मेहमान बनने के लिए भी मत जाना, रोज रोज ससुराल भी मत जाना। एक दिन मेहमान मेहमान होता है, 2 दिन मेहमान रहे तो मेहमान रहमान होता है, और फिर हर रोज मेहमान आ जाए तो मेहमान ना मेहमान है ना रहमान है, फिर वो मेहमान बेईमान होता है, बेईमान। दूसरे घर में भार बनते हो, वहां भीड़ बचाते हो, टाइम बर्बाद करते हो दूसरे का भी, खाम खाम वहां खड़े रहते रोज, किसी दोस्त के घर पे भी रोज मत जाइए, लांछन लग जाएगा, कलंक का दाग लग जाएगा कि इसके घर पे ये क्यों आता है, कुछ लोग संदेह करेंगे तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम जैसा बेशर्म आदमी वहां खड़े हो रोज, क्यों खड़े हो, क्या जरूरत? आपका सम्मान आपके हाथों में है, आपकी चालों में है, आपकी बातों में, आपकी चरित्रों में है। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? हे गुरुदेव, अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा? बिठा लोगे तो क्या होगा? सासू ने कहा तुम मेरे साथ आओ। सासू वापस ले गई उस साधु को। साधु को बड़ी आशा की किरण मिली, ये सासू है घर की मालिक है, अब वापस लेकर जा रही। बोले आओ। बहू ने कैसे मना कर दिया कि कुछ नहीं मिलेगा, चलो। महात्मा प्रसन्न हो गया कि अब मिलेगा जरूर, लग रहा। महात्मा आया, बैठा रहा द्वार पर, 2-4 कुर्सी पड़ी थी, महात्मा कुर्सी बैठ गए। सासू अंदर गई, 10 मिनट के बाद लौट कर निकली। साधु ने सोचा कुछ लाएगी कुछ देगी, तो सासू ने क्या कहा? जाओ बाबा, जिंदगी भर तुमको यहां कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। तो साधु ने कहा तो बुलाकर क्यों लाई, मैं तो चला ही गया था। बोले मैं इसलिए बुलाकर लाई कि मेरी बहू ने मना किया था कि कुछ नहीं मिलेगा। बहू कौन होती मना करने वाली,
मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, क्योंकि मैं सासू हूं इसलिए मना करूंगी। तो मैं इसलिए लाई थी कि तुमको मना करने के लिए लाई थी कि मैं मना कर रही हूं। ये सासू होने का ऐसा अहंकार होता है कि मना भी करूंगी तो मैं ही करूंगी। अरे वही काम बहू ने कर दिया तो क्या बुरा हो गया। सासू होने का अभिमान भी छोड़ दो, कुछ नहीं है अभिमान में। बड़ा से बड़ा पद प्राप्त करो, निर्माण रहो। भगवान श्री राम क्या कहते हैं, सिया राम माई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाई। सिया राम माई सब जग जानी। राम कहते हैं मैं ही केवल राम नहीं हूँ, पूरे जगत के पुरुष राम हैं, पूरे जगत की नारियां सीता हैं, उनको मेरे समान समझो, मैं उनसे कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं भी उनके साथ में खड़ा हूँ, सबका सेवक हूँ। सिया राम माए सब जग जाए, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सतुई सब मो सुंदर चौपाई है। माता शबरी को भगवान श्री राम सातवीं भक्ति में समझाते हैं कि सारे जगत के नर नारियों को मेरे समान देखना, और यदि कहीं महान संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा देखना। संत को कितनी ऊंचाई पर खड़ा किया राम ने। अगर संत बनने की सामर्थ्य नहीं है, मत संत बनो। कौन कहता संत बनो? क्यों संत बनते हो? क्यों संत के कपड़े पहनते हो? ढोंग मत मचाओ इस भारत देश के अंदर, निकलो ढोंगियों यहां से। और संत बनने की हिम्मत है, साहस है, तो संत बनो, तो सच्चे संत बनो, महान संत बनो, क्योंकि भगवान से भी ज्यादा सम्मान संत को दुनिया देती है। इसलिए संत के जीवन में सभी बुराइयों का अंत होना चाहिए, और संत का दर्शन जो कर ले तो दर्शन करने वालों की जिंदगी बसंत हो जाना चाहिए, बसंत हो जाना चाहिए। जय की जय। ललन श्री ललन यादव हैं, प्रयागराज कुंभ में आपने 10-12 दिन सेवा किया था, धन्य हो, बहुत अच्छा। बैठो साहिब बंधु, इतना मैंने प्रवचन सुनाया है, 1.5 घंटा हो गया, तब जाकर के जय बोला है किसी से, पूरी मेरी जान निकल गई है। बहुत ताकत लगाया, नाम ही इसका अजान है ना, अजान में बेजान सफल नहीं होगा, यहां जान। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। ये पंक्तियां कभी कभी अपने घर में गाया करो, गुनगुनाया करो, बर्तन मांजते समय, कपड़े धोते समय, गाड़ी साफ करते समय, ये भजन की पंक्तियां आपकी चिंता को कम कर देंगी। भोजन बनाते समय प्रवचन सुना करो मोबाइल से, मेरा नाम सर्च करो असंग,
ASANG असंग। बस 4000 प्रवचन लोट गए, पूरा थोक में समुद्र। सुनते रहो, प्रेम से भोजन बनाओ। जिंदगी में और करना क्या है? कुछ नहीं, यहां मिलने वाला कुछ है नहीं, दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं। खुशी से जिंदगी जी लो, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेम से रह लो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबको प्रेम की दरिया में डुबा दो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबकी गम खा लो, सह लो, अपने संगठन को टूटने मत दो, परिवार की एकता और प्रेम को बना रहने दो। बस संसार में इसी में सुख है। राग द्वेष मत फैलाओ, ईर्ष्या भी मत करो किसी से, कुछ भी मिलने वाला नहीं। दिल के अंदर यदि ईर्ष्या है, राग द्वेष है, शांति नहीं मिलेगी। ईर्षु घृणी न संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योप जीवी च खड़े ते नित्य दुखिता। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंदातीतो विमत्सरा, समा सिद्धाव सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। ईर्ष्या की आग में रात दिन जलने वाले लोग कभी सुख चैन नहीं पाते। जो दूसरों की उन्नति देख करके प्रसन्न होता है और दूसरों को दुखी देख करके जिसका मन दुखी हो जाता है, पद्म पुराण का ऋषि कहता है वो साक्षात धरती का हरि भगवान होता है, वो भगवत स्वरूप होता है और भगवान कहीं अलग नहीं होता है। जो दूसरों की खुशी में खुश होता है और दूसरों के दुख में द्रवित होता है, ये भगवान का गुण होता है, यही भगवत लक्षण होता है। देवदत्त ने एक हंस को बाण मारा, हंस घायल होकर के गिरा। गौतम ने उसको उठाया, गोद में लेकर के पानी पिलाया, सहला रहा। देवदत्त आता है और कहता, हंस मेरा है क्योंकि मैंने मारा है। गौतम कहते, हंस मेरा है क्योंकि मैंने बचाया है। दोनों में विवाद हुआ, राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहानी सुनी तो राजा ने जवाब दिया, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए हंस गौतम का है। और वही गौतम जो हंस के दुख को सह नहीं सके, बचाने के लिए द्रवित हो गए, वही एक दिन भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, भगवान बुद्ध कहे जाते हैं। वे भी किसी माता पिता की संतान थे, वे भी मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे। राजमहलों में उनका जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, ये छोड़ो बकवास, लेकिन मनुष्य का चेहरा है उनका और उनको भगवान बुद्ध माना गया। याद रखना, यदि आपके अंदर दया है, करुणा है, रहम है, तो ये लक्षण भगवान का है, फिर आप स्वयं भगवान के रूप हैं, भगवान के रूप है। ईर्ष्या द्वेष से बचो, जलन मत करना किसी से। कई बार लोग किसी का बढ़ता हुआ नाम देख करके जलने लग जाते हैं कि इसके नाम को बिगाड़ना है किसी तरह से। और याद रखना, आपका नाम बढ़ने लग जाए, धन धाम बढ़ने लग जाए, दौलत बढ़ने लग जाए, शक्ति बढ़ने लग जाए, तो ज्यादा विनम्र हो जाना, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, किसी को सताने में शक्ति मत खर्च कर देना, अन्यथा शक्तियां पुनः एक कुदरत वापस लेना शुरू कर देती है। शक्तियां उसके पास में परमानेंट रहती हैं जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करता है, शक्तियों का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने में करता है, उसकी शक्तियां निरंतर बढ़ती चली जाती है। जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, दूसरों को सताने में शक्ति खर्च करता है, वो एक दिन शक्तिहीन हो जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है। अपन तेज समारो आपे, गाइए। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते।
नहु लोक हाग देखा अपन थे। हनुमान चालीसा की चौपाई है, दोहराइए, तीन बार दोहराइए, सब महिलाएं भी गाएं। तीनों लोक हाग थे कांपे। बहुत मस्त चौपाई है। अपना तेज, आप पास कौन कौन तेज है, वो तेज तुम संभाल नहीं पाते, तेजहीन हो जाते। तेजस्वी भी बनो, तपस्वी बनो, ओजस्वी बनो, यशस्वी बनो, कीर्तिमान बनो। आपके पास वाणी का तेज है, दृष्टि का तेज है, आपके पास में बुद्धि का तेज है, आपके पास में चरित्र का तेज है, आपके पास में सुंदर स्वभाव का तेज है। इस तेज को संभालो, कहीं इस माया मोह के संसार में आपका स्वभाव बिगड़ न जाए, वाणी बिगड़ न जाए, चरित्र बिगड़ न जाए, कहीं आचरण खो न जाए, और कहीं आपकी तेजस्विता छीण न हो जाए। अपन तेज संभालो। आप हनुमान चालीसा कहती है, अपनी वाणी के तेज को भी संभालिए। आपकी वाणी ये गाली दे दे करके वाणी तेजहीन हो जाती है, इसलिए गालियां मत बको, कोई फायदा नहीं। कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों को भी गाली देती है और पति से कहती हैं, ये मर गया, नाश काटा और गेहूं काटा और भूसा उठाया, फालतू बात बोलती। कितने पुरुष भी इतने क्रोधी हैं, अपनी पत्नी को बहुत गाली देते हैं। तो याद रखना, गाली मत दो। जैसी पत्नी है वही तुम्हारे भाग्य में थी, अब बस स्वीकार करो। जो भी मिली है उल्टा पलटा करती है। कितने लोग बहुत पुण्य कमा चुके हैं, उनको बड़ी बुद्धिमान पत्नी मिली है, समझदार, इशारे से काम करती है, और जिनके पुण्य थोड़ा कमजोर है उनको थोड़ा बुद्धू भी मिली है। चाय मांगते हैं तो गिलास में ला कर देती है, और पानी मांगते हैं तो कप में ला कर देती है। पति सोचता है इतनी भी बुद्धि नहीं, तो बताती है पीना तो है और क्या करना है, कब से पी लो, क्या फर्क है। बुद्धिमान पति मिल जाए तो समझो कोई जन्म का पुण्य था, बुद्धिमान पत्नी मिल जाए ये कोई पुण्य से ही मिली है, बुद्धिमान बेटा मिल जाए माँ बाप का पुण्य है, बुद्धिमान शिष्य मिल जाए, विवेकवान शिष्य, वैराग्यवान शिष्य, गुरु का कोई जन्म का पुण्य है, और सुयोग्य गुरु मिल जाए, वैराग्यवान गुरु, तेजस्वी गुरु, ओजस्वी गुरु, ज्ञानी गुरु, ध्यानी गुरु, सदाचारी गुरु, जितेंद्री गुरु, ऐसा गुरु जो कल्याण का काम कर दे शुरू, ऐसा मिल जाए गुरु, तो समझ लो पूर्व जन्म का बहुत ढेर पुण्य था, इसलिए ऐसा गुरु मिला। इसलिए खूब पुण्य कमाओ। तुम गाय की सेवा करते हो, पंछियों की रक्षा करते हो, जीवों पर दया करते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, भूखे को भोजन खिलाते हो, अतिथि का सत्कार करते हो, संत का आदर करते हो, सत्संग समागम कराते हो, ये सब करने से बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा होता है। दान करने से भी पुण्य होता है। किसी के दुख को दूर करते हो तो पुण्य इकट्ठा हो जाता है। हमारे पास में एक माता जी आई पिछले गांव में, बोली मेरी चैन खो गई, गले की चैन, तो मैंने ऐसा फूल उठाया,
उनके सिर पे लगाया। हमने कहा माताजी दुखी मत होना, तो वे अपना बटुआ खोलने लगे और बटुआ से 100 रुपये निकाल कर दान दे। हमने कहा माताजी चैन खो गई और फिर भी 100 रुपये दान दे रही हो। बोले ये 100 रुपये के दान से इसी पुण्य से दूसरी चैन मिल जाएगी। तो मैंने कहा, हमने कहा आप ज्यादा दुखी नहीं हैं? बोले आपके ज्ञान से दुख नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आशीर्वाद है, मिल जाएगी चैन, मिल जाएगी। याद रखना, माताओं बहनों से नम्र निवेदन करूंगा, जब सत्संग में आया करो, सोने चांदी के गहने घर में सुरक्षित रख करके तब आया करो। सत्संग में आओ, गुरु जी की माला पहन लो, वहाँ दुकान पर, साहित्य की दुकान पर गुरु की लाकेट वाली माला बिक रही है, खरीद लो 10-10 माला, पहन लो एक एक माला और कुछ घर वालों को पहनाओ जा करके, वही शोभा देता है। और दूसरा निवेदन है, जब गुरु जी को प्रणाम करने आओ, आशीर्वाद लेने आओ, तो लाइन लंबी लगा लो, धक्का मुक्का मत करो, एक के पीछे एक, बारी 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 प्रणाम करते जाओ, गुरु जी का आशीर्वाद लेते जाओ, फट से इधर सामने निकलते जाओ, साइड से आओ तो सामने निकल जाओ, एक दूसरे को छुओ मत, धक्का मत मारो। गुरु जी जाएंगे कहाँ, चारों तरफ से आपके बीच में घिरे हैं गुरुदेव, जा कहाँ सकते, 10 मिनट ज्यादा लगेगा, फर्क क्या, धक्का नहीं मारना। लेकिन माताओं बहनों में एक विशेषता होती है, ये धक्का मारती भी है, धक्का खाती भी है, तब इनको अच्छा लगता है कि 2-4 धक्का लगे, बड़ा अच्छा लगा। नहीं, धक्का मारो भी मत, धक्का खाओ भी मत, शांति से, नियम से आना चाहिए। गुरुदेव के निकट से दर्शन कर लो, चुपचाप उतर जाओ, हमारे ऊपर फूल वूल मत डालो, हाँ ऊपर नहीं डालो, वो तो पत्थर की मूर्ति होती है उसके ऊपर डाला जाता है, ऐसे तो मेरे ऊपर डालोगे कोई दूध ला के डाल दे, कोई पानी चढ़ा दे, कोई बेल पत्र चढ़ा दे, कोई चावल डाल दे, ये नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु जी के सामने टेबल लगा, उस पर रख दीजिए, बस हम ले लेंगे वहां से, सब मिल जाएगा गुरु जी को। और गुरु जी के चरण भी मत छू, नहीं नहीं चरण नहीं छूना है, तो फिर गुरु जी को हाथ जोड़कर बोलना है साहेब बंदगी, निकल जाना। तो क्या छूना है, गुरु जी के आचरण छू लेना है, आचरण, सुंदर स्वभाव, सुंदर चरित्र और सुंदर वाणी और सुंदर ज्ञान, ये सब गुरु जी का छू लो, और छू लो नहीं इसको ले लो, और ले लो नहीं जीवन में उतार लो, और उतार लो बिल्कुल गुरु के जैसे तुम भी बन जाओ। जिसे गुरु जी तुम्हारे कभी ना बेड़ी पीते, ना दारू पीते, ना पान खाते, ना पुड़िया खाते, ना तमाकू खाते, तुम भी सब छोड़ दिया, बस त्याग दिया, अरे मेरे गुरुदेव नहीं खाते मैं कैसे खाऊंगा, आचरण ले लो गुरु जी का आचरण, और गुरु जी का ज्ञान सीख लो, दूसरों को ज्ञान भी सुनाओ, तेजस्वी बनो, आपकी वाणी भी ओजस्वी होनी चाहिए। आप राजनीति करते हो, ओजस्वी वक्ता बनो। ये म्याऊं म्याऊं बोलना जो है, किस फोन में एक गली बनी थी, ये इससे न वोट मिलेगी न सड़क बनने वाली है। अरे संसद भवन में भी दहाड़ना पड़ता है, वहां भी कंपटीशन है, हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में बजट ले जाना चाहता है, हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में बजट ले जाना चाहता है। आपका सांसद विधायक अगर दमखम वाला नहीं है तो आपके क्षेत्र में बजट बहुत कम आएगा, वहां भी बोलना पड़ता है, और बोलना पड़ता, समझाना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री भी थोड़ा समझता है कि इसको देना चाहिए, नहीं तो यू मचाएगा वो खुराफात फालतू,
बजट दे देगा। म्याऊं म्याऊं करने की जरूरत नहीं, जनता के बीच में भी ओजस्वी भाषण करो, दो चार श्लोक भी बोलो भाषण में, दो चार दोहे बोलो और एक दो गीत भी गा दो, ऐसा लच्छेदार भाषण, ओजस्वी वक्ता बनाओ। राजनीति भी करो, पूरा मन से करो, राजनीति खराब नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। राजनीति में बुद्धिमान, महान, गुणवान, वफादार, देशभक्त पहुंचने चाहिए, तब हमारे देश की सड़कें फोर लेन से काम नहीं चलने वाला है, अब तो 16 लेन की रोड बननी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या इतनी हो चुकी है, 16 लेन की रोड हो तब स्पीड गाड़ी पकड़े। हर शहर में ओवरब्रिज, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, जिसको शहर में जरूरत नहीं ऊपर ऊपर निकल जाए, वहाँ फालतू लाल बत्ती पीली बत्ती खड़े हो, पुलिस वाले परेशान होते हैं, रुको 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 रुको, ये रोड जाओ, उधर जाओ, इधर रुको, क्या फालतू नाटक। और राजनीति के अंदर भी त्याग रखो, आपका जीवन तेजस्वी तभी होगा जब आपके अंदर त्याग होगा, लोभ लालच नहीं। क्या करोगे इतना पैसा, कोई जरूरत नहीं है, और केवल पैसे से चुनाव जीत भी नहीं सकते आप, ये भी याद रखना। आदमी ना किसी जाति का है, ना पाती का है, ना मजहब का है, आदमी तो अपने फायदे का है, जहां जिसको फायदा होता है वहां लोग वोट दे देते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, फायदा। शक्कर डाल दो, चींटियां इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन नमक की बोरी रख दो, एक चींटी नहीं आएगी, जहां मिठास है वहां चींटियों के झुंड इकट्ठे होते हैं, जहां फायदा है वहां वोट मिलती है, जनता को फायदा होना चाहिए। मैं सब नेताओं को समझाता हूं, राजनीति करो, अच्छी चीज है। कोई नेता ये मत समझे गुरुजी स्वयं राजनीति करना चाहते, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं करवाना चाहता हूं, जो कर रहे वही अच्छा करें, सुधार करने गलती अगर उनमें है कोई, मैं क्या करूंगा, मैं तो इतनी बड़ी धर्मनीति कर रहा हूं कि इसी से फुर्सत नहीं है। राजनीति करने वालों की भीड़ है, गली गली में राजनेता पैदा है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं समाज सुधार का, संस्कार देने का, ये काम करने वाले दुनिया में बहुत इने गिने लोग हैं, कम लोग हैं, मैं यही काम करता रहूंगा, सबको संस्कार दूंगा। बोलो ठीक है कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? नहीं बोलोगे तो राजनीति में चला जाऊंगा। बोलो यही ठीक है ना? यही ठीक है। राजनीति तुम करो, तुम बनो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तुम्हें ही मेरा आशीर्वाद। जो राजनीति में काम कर रहे हैं उनको ही मेरी व्यासगादी आशीर्वाद दे रही है, उनकी बुराइयां दूर हो, अच्छे इंसान बने, मांस मछली अंडा नशा शराब मुर्गा खाना बंद करें, एकदम शुद्ध शाकाहारी रहें, और इस भारत देश को भारत माता जैसे कहा जाता है, माता जैसी ही इसकी सेवा करे, ये भारत देश महान बने, ऐसा सब नेता काम करे। ओजस्वी वक्ता बनो, यशस्वी भी बनो, आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि आप यशस्वी भी हो, और तपस्वी भी बनो, हर व्यक्ति को तपस्वी, ये महिलाओं को भी तपस्वी बनना चाहिए, यशस्वी महिला बनो। अरे तुम मर जाओ, दुनिया से चला जाए तुम्हारा शरीर, दफन हो जाए, फिर भी घर के लोग 50 साल तक तुम्हारे यश को याद करें कि मेरी माँ, मेरी सासू बहुत अच्छी थी। राजस्थान में मैं एक गांव में गया, तीन बहुएं आई, तीनों व्यासगादी पर रोने लगे। क्या हुआ? बोले मेरी सासू मर गई। ज्यादातर बहुएं सासू के मरने से खुश होती कि अब जंजाल खत्म हुआ, पर वो रो रही थी रो रही थी फूट फूट कर।
मैंने कहा सासू मर गई, सासू के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं मरा? बोले प्रेम तो जिंदगी भर नहीं मरेगा, मां से भी ज्यादा, पिता से भी ज्यादा, भाई से भी ज्यादा और पति से भी ज्यादा ख्याल करने वाली, मुझे निभाने वाली और मुझे सुख देने वाली मेरी सासू थी। ऐसी सासू यशस्वी सासू बनो, यशस्वी गुरु बनो और तपस्वी भी बनो, परिवार के लिए, शिष्यों के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए, ग्राम के लिए, समाज की सेवा के लिए कुछ कष्ट सहना पड़े, कष्टों को सह लेना, सबके कल्याण के लिए जो कष्ट सह लेता है वही तपस्वी होता है। याद रखना, परिवार बिखरने न पाए इसके लिए दुख भी सह लेना तो तुम तपस्वी महिला कहलाओगी, तपस्वी महिला। साहिब बंदगी बोलो, साहिब और अपने जीवन को तेजस्वी भी बनाओ, इस शरीर को भी स्वस्थ रखो, थोड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन करो, आपकी मुखमंडल पर भी तेज झलकना चाहिए। ये संसार के विषय भोगों को बेतहाशा मत भोगो, अन्यथा शरीर सूख जाएगा, तेजहीन हो जाएगा, चेहरे का मुखमंडल का चमक धमक खत्म हो जाएगा। अपने वीर शक्ति को भी रोको, रज शक्ति को भी रोको, आपन तेज समारोह आप है, आपका शरीर भी तेजस्वी होना चाहिए। हजारों में बाजारों में खड़े हो जाओ तो तुम्हारी चमक निराली दिखाई देनी चाहिए, ललाट चमकना चाहिए। इसके लिए भोजन भी कम करो, बहुत खाना अच्छा नहीं होगा, बहुत खाने से शरीर बदसूरत हो जाता है। कई बार खा लो, थोड़ा थोड़ा खाओ। थोड़ा सलाद रोज खा लो, सलाद समझते हो? ना समझना तो घर में समझना जाकर, अब यहां सब चीज हम ही समझाएंगे। अरे सलाद क्या है, वही मूली गाजर खीरा ककड़ी, वही सलाद है, काट कूट के खा लो, और क्या सलाद है। थोड़ा सलाद खा लो, सलाद से क्या होता है, आंतों के अंदर जो गर्मी होती है वो खत्म हो जाती है, आंतों के अंदर दीवालों में जो मैल चिपका है, पुरानी लेटरिन चिपकी है, वो सब सलाद उसको निकाल कर बाहर कर देती है। और जिसके पेट में कब्जियत नहीं रहती, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती है, उस व्यक्ति के मुखमंडल पर चमक रहती है। इसलिए कब्जियत को मिटाओ, थोड़ा फल भी खा लिया। आज मुझे यहां आयुर्वेदिक की दुकान है, श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की, तो उस कंपनी के जो विक्रेता हैं हमें एक पेट साफ करने वाली दवा दे गए कि गुरुदेव आपके लिए, उसका नाम है अमृता चूर्ण, लिखा है कब्ज नाशक, आमात सार, उदर सोल, क्षुधा वर्धक, वायु विकार के उपयोग, ये अमृता चूर्ण है। इसको मैं केवल एक बार खाया है, 3 साल पहले, एक बार में ही ऐसी सफाई किया है। और जिस तरह इसको खाओ तो दूसरे दिन कहीं जाना नहीं है आपको, बाथरूम में बैठे रहो बस। जय बजरंगबली। और एक शीशी में पूरा परिवार तृप्त हो जाएगा, पूरे घर को एक दिन खिला दो आप, इतना खाना है, आधा चम्मच से भी कम, पूरा घर लेटरिन में लाइन लगाए रहेगा, कोई किचन में खाना में जाएगा नहीं, सब पाखाना मिलेंगे। लेकिन ताजगी मिलेगी, भूख खूब लगेगी, पेट में गैस नहीं रहेगी, ये पेट जो बड़ा हो रहा है वो भी अंदर चला जाएगा। ये बहुत ताप की दवाई है,
एक दूसरी दवाई और हमको दे गए हुए, बहुत अच्छी। घुटना दर्द, कमर दर्द, जॉइंट दर्द, ये तेल है, मालिश करना है, ये पाउडर इतना भर खाना है, बिल्कुल दो चना के बराबर दूध पी लेना पर। 10 साल पुराना दर्द हो कमर में, जॉइंट में, 3 महीने खाओ खत्म, 6 महीने खाओ तो घुटना भी खत्म, जिंदगी भर खाओ तुम भी खत्म। कोई दवा जिंदगी भर नहीं खाना चाहिए, बीमारी है तो खा लो। च्यवनप्राश भी कभी कभी खा लिया, बहुत अच्छी दवाई है, आयुर्वेदिक दवा ठीक रहती, फिर होम्योपैथिक ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर नेचुरोपैथी तो बहुत ही ठीक है, एलोपैथी जब कहीं से फायदा ना हो तो तत्काल फायदा एलोपैथी, तुरंत लिया पैरासीटामॉल, बुखार उतर गया। कभी कभी एलोपैथी का भी प्रयोग कर लिया करो, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक रहे। लंबी सांस लिया करो, योगा भी कर लिया करो, और मन यदि आपका ठीक है, मन का सही होना शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक होता है, और मन को सही करने के लिए प्रवचन रोज सुनिए, यहां सत साहित्य केंद्र आया है, वहां से सदग्रंथों की किताबें सब खरीद लीजिए, और मन को पवित्र करने के लिए गुरु का दर्शन करिए, अपने मोबाइल में गुरु का फोटो रखिए, महान पुरुषों का चित्र अपने घर में लगाइए, दर्शन कीजिए। अभी मैं एक भक्त के घर गया था तो उसके घर में हर दीवार पर फोटो गुरु का लगा था, मैंने कहा क्या बात, बोले बात यह है दर्शन करने से हमारा मन ठीक रहता है, नहीं मन गड़बड़ाता है, और ये मन ऐसा विचित्र है, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, जिसका तन मन डोल गया तो उसका घर भी डोल जाएगा, परिवार डोल जाएगा, दुकान भी डोल जाएगी, फिर गाड़ी घोड़ा डोल जाएगा, फिर डोल डाल हो जाएगा, सब डोल डाल। ये मेरा मन डोले मेरा तन डोले ऐसे गीत क्यों गाते हो? एक साइकिल चला रहा था नवयुवक, को गीत गा रहा था, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। तो उसकी पत्नी पीछे बैठी थी, वो भी होशियार थी, पत्नियां तो ज्यादातर होशियार ही होती हैं, बुद्ध होकर होते तो पति ही होते हैं। तो पत्नी भी गीत गाती है क्या, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। अरे पति देव तेरा मन डोल जाएगा तन डोल जाएगा तो साइकिल कौन संभालेगा, इसलिए तन मन को मत डोला, ठीक से रह। हर स्त्री जितना घर के काम करने में नहीं थकती है सुबह से शाम तक, उतना अपने पति को संभालने में थक जाती है, क्योंकि इसका तन मन डोल जाता इधर उधर, कंट्रोल करना पड़ता है। मेरा मन डोले मेरा तन, गाइए सब लोग, कहानी सुना देता हूं, समाप्त करता हूं। कल फिर सत्संग करूं कि ना करूं, जोर से बोलो। मकई खाओ सत्संग करो, यहां मकई होती कि नहीं होती है, अभी पकी है कि नहीं पकी है, अभी नहीं पकी, ये मेरा दुर्भाग्य है, पकी होती हम भून के खा लेते। अब जब पकेगी तो फिर आएंगे हम। गाइए कल एक एक श्रोता, 5-5 श्रोता लेकर आना, और मैं निवेदन करूंगा अपने पूरे परिवार को लेकर आना, सब गाड़ियां ट्रैक्टर ट्राली जीप कार सब लेकर के आओ, और सबको यहां बिठाओ। मैं कहूंगा अनिल मंडल से देख लो जगह, आगे वाले मुड़ के पीछे देख लें जगह कितनी खाली पड़ी कि नहीं पड़ी है, मुड़ो आगे वाले, महिलाओं क्यों नहीं मुड़ के देखती, अरे उनको मेरे ऊपर भरोसा है वो क्यों मुड़ेंगे, तुमको विश्वास नहीं इसलिए मुड़ रहे तुम। सब फुल है, 500 लोग 1000 लोग बाहर खड़े हैं, पंडाल और फुल, इधर देखो कितना फुल है, इधर भी फुल उधर भी फुल इधर भी फुल, और हमारी तरफ देखो तो फुल ही फुल, ये देखो फुल,
माला और फूल। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करारे रे, कौन चलावे सैकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करारे रे, कौन चलावे सैकिलिया। ये पति गा रहा है, पत्नी समझा रही है कि है पति देव, एक बच्चा मेरी गोद में है, दूसरा आपकी पीठ पर बंधा है, तीसरा आगे डंडा पर बैठा है, पीछे मैं बैठी हूं, तुम्हारा मन डोल गया, तन डोल गया, साइकिल कौन संभालेगा। इसलिए मन को स्थिर रखो, मन को कंट्रोल रखो, दिल को भी कंट्रोल रखो। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करारे रे, कौन संभाले सैकिलिया। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का बहुत अच्छा लगा जान में, करारे रे, कौन संभाले साइकिलिया। साइकिल एक पुलिया पर चढ़ जाती है, उतरती है, स्पीड पकड़ लेती है, साइकिल गिर जाती है, बच्चों को पत्नी को चोट आती है, पति की टांग दब जाती है। पुलिया की दीवार पर बैठे हुए लोगों से पति कहता है, आओ साइकिल उठा लो, बचाओ हमें। नवयुवक बैठे थे, वो क्या बोल रहे हैं, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करारे रे, कौन उठावे साइकिलिया। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करारे रे, कौन उठावे साइकिलिया, कौन उठावे साइकिलिया। नवयुवक कहते हैं, आपका मन डोल गया, तन डोल गया, तुम्हारे दिल का करार चला गया, अब साइकिल कौन उठाएगा। याद रखना, ये जिंदगी की साइकिल है, ये शरीर रूपी साइकिल में पांच सवारी बैठी है, ये पांच ज्ञान इंद्रियां ही सवारी है। जिसका मन डोल गया, तन डोल गया, तो पांचों इंद्रियों की भी दुर्दशा होती है, जिंदगी बुराइयों के गड्ढे में गिर जाती है, जिंदगी की साइकिल। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, ताकि आपका तन मन स्थिर रहे और जिंदगी की साइकिल शराब के गड्ढे में ना गिरे और बुराइयों के गड्ढे में ना गिरे, आपकी जिंदगी की साइकिल सतमार्ग के पथ पर चले और मोक्ष की मंजिल पर पहुंचे और सुख शांति की स्टेशन पर पहुंचे। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करारे रे, कौन चलावे साइकिलिया। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, बंधाय विषया संगो मुक्त निर्विषयम मनः, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, विगते इच्छा भय क्रोधा, यह सदा मुक्ति उषा। नीति शास्त्र कहता है, मनुष्य के मन में ही बंधन है और मन में ही मुक्ति है। मन जब विषयों में आसक्त होता है तो बंधन की रचना करता है, जब मन विषयों से उन्मुक्त हो जाता है तो मन मोक्ष का द्वार खोल देता है। आप सभी का कल्याण हो, आपको सुख शांति मिले, आपका सुंदर स्वभाव बने। आपके बीच में हमारे संत जी पर्चे बांट रहे हैं, ये हरिद्वार कुंभ मेला का पर्चा है, वहां महाभंडारा होना है और उज्जैन आश्रम निर्माण हो रहा मध्य प्रदेश में, उज्जैन की धरती पर तीर्थ के किनारे, उसका ये पर्चा है। जिसके मन में श्रद्धा होगी, दाएं बाएं साइड में कार्यालय बने हुए हैं,
वहां अपनी योगदान देकर के रसीद को प्राप्त कर सकेंगे। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, जो गुरुमंत्र लेना चाहते, गुरुदीक्षा लेना चाहते, गुरु बनाना चाहते हैं, उनको गुरुमंत्र भी यही प्राप्त हो जाएगा। हमारे निवास पर आ जाना, वहीं गुरुमंत्र दे दूंगा, फटाफट गुरुमंत्र दे दूंगा। स्कूल में निवास है, निवास का स्थान बहुत अच्छा है। प्रधानाचार्य और शिक्षकों को, गांव के सरपंच को हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने स्कूल ठहरने के लिए बिल्डिंग वहां की प्रदान किया है। वहां का जो जल सेवा संभालते, टंकी, पानी टंकी, उस बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ, वो हमेशा पानी देते रहते हैं, निर्मल जल। मैं खुश हो जाता हूँ। और वहाँ हमारे रहने लायक जगह है, क्योंकि शांति है, एकांत भी है, साफ सुथरा भी है, और हम लोग भी सफाई में लगे हुए हैं, पूरा फ्रेश कर रहे उसको। और मैं निवेदन करूंगा, जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना तन मन धन लगाया है, अन्न लगाया है, चंदा में दिया है, उनके लिए मेरी तपस्या का पुण्य उनको मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो और उनके घर में सुख शांति आए, क्योंकि सबके सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है। और ये भी निवेदन करूंगा क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से, जय, वाह, दमदार जय है। अनिल मंडल से मिल करके अभी भी जिनके मन में सहयोग देने की इच्छा होगी इस कार्यक्रम के लिए, तो अनिल मंडल को योगदान देना, ताकि आपके क्षेत्र में मैं बार बार आ सकूं, बार बार आ सकूं। मुझे बार बार आने की इच्छा है, बिहार में, सुपौल में, अजान में, हरदी में, दुर्गा स्थान के समीप में, आपके बीच में, कि बार बार आऊं, अब आपको सत्संग सुनाऊं। लेकिन मेरे लिए भी शुभकामना करना कि मैं जल्दी बूढ़ा ना हूं, ऐसा ही रहूं, ऐसी उम्र बनी रहे, जल्दी बुढ़ापा ना आए। सुंदर बुद्धि, स्मरण शक्ति, बस।